आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पूरी की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। सिंपल सी पूरी है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है। इस पूरी को बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही क्रिस्पी है, कुरकुरी है और स्पाइसी है। मैं इसे खुरच कर दिखा रही हूँ कि कितना क्रिस्पी और कितना टेस्टी है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कटोरा गेहूं का आटा ले लिया है और अब इसमें आलू डालेंगे। तो एक आलू को हमने बॉईल कर लिया है और उसे ग्रेट कर लिया है। आलू को अब डाल देंगे। इसके साथ ही हमने अजवाइन और मंगरेला डाला है, तो अपने हाथों से इसे क्रश करके डालेंगे ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आए। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और आधा चम्मच कूटा हुआ लाल मिर्च डालेंगे फ्लेवर के लिए। इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ दो छोटे चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे मैन के लिए। अब इन्हें अच्छे से गूंथना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका एक परफेक्ट डो लगा लेंगे। जैसे हम घर में नॉर्मल पूरी के लिए आटा सानते हैं ना, बिल्कुल हमें उसी तरह डो लगा लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी के लिए डो रेडी कर लिया है और ये बहुत ही कड़े हैं, बिल्कुल पूरी की तरह जैसे हम सानते हैं। और अब इन्हें हम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हम इसे वापस पंच लगा करके और फिर से गूंथ लेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो पानी का छींटा देते हुए वापस से हम इन्हें पंच लगा लेंगे। इससे क्या होगा ना कि पूरी बहुत सॉफ्ट और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। अब डो हमारा कम्प्लीटली रेडी हो गया है और अब हमें इसका लोइया बनाना है। सिंपल सा हम बनाएंगे लोइया, जैसे हम घर में पूरी वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सा। तो इस तरह से हमने इसका रोल कर लिया है और अब इन्हें हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे ताकि पूरियाँ एक समान और एक साइज़ की हो। आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, आपको जिस साइज़ का पूरी खाने का मन हो। तो मैं थोड़ा सा छोटा छोटा ही बना रही हूँ। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से आटा का एक कट लेंगे और छोटी सी लोइया बना करके इस तरह से रेडी कर लेंगे। ये हमारा लोइया रेडी हो गया है और अब हम इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे और तेल लगाने के बाद हम इसे बेल लेंगे। तो पूड़ी को हमने बहुत मोटी और ना ही बहुत पतली की है, बिल्कुल नॉर्मल सा पूड़ी है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है। तो इस तरह से हमने सारे के सारे पूड़ी को बेल लिया है। फ्रेंड्स, जब तक पूड़ी बन रही है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अब तेल गरम हो चुका है और पूड़ी तलना शुरू करते हैं। तो तेल को अच्छे से गरम कर लेना है और अब हम एक एक करके पूड़ी को डालेंगे। छलनी से ऐसे टिप करते रहेंगे ताकि पूड़ी अच्छे से फूल जाए। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से किया है। तो इस तरह से डाल करके हमें पूड़ी को टिप करते रहना है ताकि पूड़ी अच्छे से फूल जाए। अब गोल्डन होने तक इन्हें तलेंगे। जैसे ये गोल्डन होगा वैसे ही निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी बचे हुए पूड़ियों को भी तल लेंगे और ऐसे ही छन्नी से हमें तेल में इसे डिप करना है ताकि पूड़ियाँ फूल करके ऊपर आ जाए। और इस तरह से हमें पूड़ी को तल लेना है।